नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता ने वितरण किए स्वेटर। रविवार को महेशपुरा रोड स्थित चौधरी एमआईएम द्वारा गरीब बाल बच्चों को सर्दी से बचने के लिए एक स्वेटर व वस्त्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमआईएम के बुंदेलखंड मंडल प्रभारी आतिफ मुबीन उर्फ राका भाई नगर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संजीव निरंजन आदि कई नेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष हाजी रियाउद्दीन ने। इस कार्यक्रम में पार्टी के यूथ जिलाध्यक्ष इमरान रजा, जिला उपाध्यक्ष सज्जीत कुमार आदि ने मुख्य अतिथि राका भाई को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने गरीबों को स्वेटर और वस्त्र वितरित किए। इस मौके पर बोलते हुए आतिफ मुबीन ने कहा कि मेरा बुंदेलखंड दौरा चल रहा है और हम जगह जगह बैठक लेकर पार्टी को मजबूत बनाने निकले हैं। हमारे संवाददाता जिला जालौन से कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। झांसी मंडल का दौरा चल रहा है, उसके तहत यहाँ पहुँचा है। जालौन जिले की समीक्षा मीटिंग लेना है और मेन मकसद हमारा है आगामी जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अप्रैल के अंदर अंदर कराइए, तो उस सिलसिले में तैयारी कितनी थी हमारे जिलाध्यक्ष ने, जिला कार्यकारिणी ने और मंडल कार्यकारिणियों ने, कहां तक पहुंचे और कितना समीक्षा करने के बाद हमें कितना और काम करना पड़ेगा चुनाव जीत जाएंगे। हमारे साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल भी हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ, माननीय ओमप्रकाश राजभर जी हमारे साथ, अपना दल हमारे साथ है और तमाम और घटक दल। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमें किन किन सीटों पर दावा करना है, कहाँ कहाँ लड़ना है, ये सारी चीज़ों की समीक्षा कर उस सिलसिले में इसके बाद हम जाके जाएंगे। ये हमारा मकसद ये है कि जो आगामी चुनाव 2022 के होने हैं विधानसभा के, उसका ये सेमीफाइनल चल रहा है हम लोग की, या सेमीफाइनल, और इसमें हम लोगों को किस कदर मेहनत करनी है और हमें कहाँ तक आगे बढ़ना है।